हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dishadknama.com। रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा रोडवेज ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है और ये कह सकते हैं कि पिछले लंबे समय से, पिछले कई सालों से रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा सरकार हर बार जो बहनों को हरियाणा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा है वो करवाती है। इस समय मैं सिरसा के बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इस बार भी रक्षाबंधन के मौके पर दोपहर 12 बजे से निःशुल्क सफ़र है वो शुरू हो गया है और बहनें हैं वो अपने भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधने के लिए जा रही हैं। उसको लेकर के जो महिलाएं हैं उनको सहसम्मान पूर्वक जो है हरियाणा रोडवेज की बसों में सफ़र करवाया जाएगा और ये सफ़र है वो निःशुल्क रहेगा। बहनों के अलावा ये कह सकता हूँ कि 15 साल के बच्चे तक जो है वो उनकी टिकट है वो नहीं लगेगी। इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिरसा रोडवेज की और काफ़ी जो भीड़ है वो नज़र आ रही है क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या जो है काफ़ी अधिक है और ये कह सकता हूँ कि आज दोपहर 12 बजे से जो महिलाएं हैं वो निःशुल्क सफ़र है वो कर पाएंगी। नीलम जी, तो आप रक्षाबंधन में कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम सिरसा से ही हैं, लोकल अम्बाले जा रहे हैं जी। तो कैसी योजना है सरकार की, इस दिन बसें मिलती हैं, प्रॉपर कंडक्टर वगैरह महिलाओं से कैसे व्यवहार करते हैं? अच्छा है जी व्यवहार तो जी। हाँ जी, पैसे नहीं लेते? अब पहली बार जा रहे हैं, देखो फर्स्ट टाइम है। देखो जी, आपके क्या नाम है? रेखा जी। तो आप भी पहली बार ही जा रहे हैं? नहीं जी, मैं तो हर साल जाती हूँ। अच्छा, हर साल जाते हो? हाँ जी। कैसे व्यवहार करते हैं कनेक्टर वगैरह? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं। बसें वगैरह भी पूरी मिलती है? हाँ जी, सीट भी मिलती है, बैठ के आराम से जाती हूँ, आती हूँ तो बैठ के आती हूँ आराम से। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे भी जाते हैं? आप अकेले जाते हैं? नहीं, मेरी गुड़िया जा रही है, यारी बिटिया। हाँ जी जी। गुंजन जी? गुंजन। आप कहाँ जा रही हैं? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ जा रही हैं? नहीं जी, फ्री में जा रहे हैं। चंडीगढ़ जा रहे हैं? हाँ, राखी बांध रहे हैं भाई को। तो इस दिन पहली बार जा रहे हैं या हर बार जाते हैं? हर बार जाते हैं। तो इस दिन कंडक्टर ड्राइवर कैसे व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ? सीट वगैरह प्रॉपर मिलती है? बसें हाँ हाँ सर, चलती है जी, सीट भी मिल जाती है। वगैरह अभी 12 बजे बाद में नहीं लगेगा, इसीलिए 12 बजे बाद आई। नहीं नहीं, वो एक बस मिस हो गई थी पहले जी। हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? बबली रानी जी। हाँ, रक्षाबंधन कैथल जा रहे हैं जी, जी। हाँ जी, अब कुछ देर अभी आए हैं यहाँ, बस अभी तक तो आई नहीं, इसीलिए अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, भी टाइम का पता नहीं कितने बजे आएगी बस। ऐसे तो नहीं समझते भी फ्री की सवारी, इसलिए सीट वगैरह प्रॉपर मिलती है? अब बाकी क्या पता, आपको आएगी तो तभी पता लगेगा, कनेक्टर को तभी पता लगेगा। प्रियंका। प्रियंका जी, आप भी पहली बार जा रहे हैं, हर बार जाते हैं? मम्मी के साथ जाते हैं। मम्मी के साथ जा रहे हैं। ब्रजेश कुमारी जी। ब्रजेश कुमारी जी, आप कहाँ जा रही हैं? करनाल जा रहे हैं। करनाल जा रहे हैं। तो इस दिन रोडवेज में प्रॉपर महिलाओं को सीटें वगैरह मिलती है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं रहती है? ठीक है सर जी। हाँ, मिलती हैं सीटें। हाँ जी। यहाँ पौना घंटा हो गया खड़े हैं, बस ही नहीं आ रही, कैथल जाना है। तो कहीं रोडवेज निशुल्क बस है महिलाओं के लिए, तो उसको लेकर के तो कहीं ना कहीं कटौती, कोई बस ही कटौती करी गई, जो पौने 12 के खड़े हैं, देख लो 12:30 हो गई है, आ ही नहीं रही बस, इतनी जनता ही खड़ी है। कहीं ये ना हो कि महिलाएं चंडीगढ़ तक वही में, देखो ये देखो ये बस में टाइम लिखा हुआ है 12 का, 12:20 वाली कोई भी नहीं आई अभी तक, खड़े पसीने छूट रहे हैं हमारे। क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो आप? के बात तो रक्षाबंधन बजा रहे हो क्या? ना ना, दवाई ले आऊँ मैं तो। दवाई ले रहे हो, धन्यवाद। हाँ, बढ़िया है ये योजना औरतों के लिए, महिलाओं को पूरी सुविधा है जी। हाँ जी, टिकट वगैरह लगती है महिलाओं की या नहीं? नहीं लगती, नहीं लगती। आप कहाँ जाएंगे? हाँ जी, आप असार जाएंगे जी। आप भी रक्षाबंधन पे जा रही हैं? रक्षाबंधन पे जा रही हूँ। तो, कैसी अच्छे करते जी, प्रॉब्लम मिल जाती है, नहीं लेते किराया। रामपुरा से आए हैं, बनवाला जाएंगे।
हाँ, 1:30 बजे बस आएगी हमारी। मेरे साथ इस समय हरियाणा रोडवेज के स्टेशन सुपरवाइजर हैं सिरसा के ध्यान सिंह, हम इनसे भी चर्चा करते हैं। रक्षाबंधन को लेकर के कितनी बसें हैं वो बढ़ाई गई हैं, क्या लग रहा है इसमें? बसें तो जितने मौके पर जितनी जरूरत होगी वो एक्स्ट्रा दी जाएंगी जी। मौके के ऊपर जैसी डिमांड होगी ना उसी हिसाब से दी जाएंगी जी। तो अब इसके अलावा जो ये सफ़र है कब से शुरू होगा और कब तक जारी रहेगा? आज 14 तारीख को दोपहर को 12 बजे से लेके 15 अगस्त रात 12 बजे तक। तो इस निशुल्क सफर में महिलाओं के अलावा और बच्चे? 15 साल तक के बच्चे। हाँ जी हाँ जी। बस यही मेन निर्देश यही है कि ये विदाउट टिकट जाएंगे जी। रात के 12 बजे तक जी। इनको अच्छी तरह बिठाओ बस में जी। अच्छी तरह आराम से उतारो जी। लेडीज को, महिलाओं को कोई असुविधा ना हो ये दे रहे हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।